असली मर्द में ऐसा क्या होता है जो सभी स्त्रियां और सारा संसार उनकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, विदुर जी ने अपनी नीति में एक असली मर्द के लक्षणों के बारे में बताया है। एक ऐसा पुरुष जिसके पास भले ही धन संपत्ति ना हो, भले ही पद प्रतिष्ठा ना हो, परंतु उसके आचरण और उसके स्वभाव से सभी अपने आप ही प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने आप ही इनसे मिलने की इच्छा रखते हैं। स्त्रियां ऐसे पुरुषों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक स्त्री चाहे किसी से कितना भी प्रेम करती हो, परंतु जब भी वो मुसीबत में पड़ जाती है तो वह एक वीर पुरुष के पास ही सहायता मांगने के लिए चली जाती है। सभी जानते हैं कि द्रौपदी चीर हरण के पश्चात अपने माता पिता, भाई बंधु, अपने पांचों पति किसी के पास भी नहीं गई। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। वो केवल केशव के पास ही गई थी क्योंकि वह जानती थी कि केशव ही हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। अतः जो मनुष्य केवल स्त्री के देह को पाने के लिए अपनी मान मर्यादा वीरता को छोड़ देता है वो नीच है। वीर तो वो है जो अपने स्वाभिमान और वीरता का त्याग ना करके स्त्री का सम्मान करता है, अतः वो स्त्रियों के लिए पूजनीय बन जाता है। दोस्तों, महात्मा विदुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं धर्मराज के ही अवतार थे। इसी कारण वे मृत्यु लोक के प्राणियों के आचार विचार के बारे में जानते थे। वे भली भांति जानते थे कि कौन से कार्य करने से मनुष्य आगे चलकर मान सम्मान एवं कीर्ति पाते हैं और कौन से जीवन भर गरीब रहते हैं और किसी भी प्रकार का मान सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं पाते। विदुर जी ने अपनी नीति में ऐसे कई प्रकार के पुरुषों के लक्षणों के बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक असली मर्द, एक असली वीर कैसा होता है जिस पर सारा संसार आंख मूंद कर भरोसा करता है, जिसे हर कोई पाने की कामना रखता है, जिसके आचरण से सभी प्रभावित हो जाते हैं। एक ऐसा पुरुष जिसमें विवाह करने के लिए हर स्त्री आतुर हो जाती है। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर आप में परिस्थिति को वश में करने का सामर्थ्य नहीं है और आप में ऐसे गुण भी नहीं है तो आप ऐसे समय में मर्द अथवा वीर बनने की भूल ना करें, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान हो सकता है। कई मूर्ख पुरुष स्वयं को मर्द दिखाने के लिए ऐसे मूर्खतावश कार्य कर जाते हैं जिसे संसार उनका दिखावे के लिए सम्मान तो करता है परंतु उनको मूर्ख समझकर फायदा भी उठाया जाता है। इसलिए आज की विदुर नीति आपको जाननी आवश्यक है। आत्मज्ञान शुभारंभ। पहला लक्षण, मर्यादा। विदुर जी कहते हैं जो पुरुष किसी भी परिस्थिति में अपनी मर्यादा को नहीं भूलता वही वीर होता है, एक असली मर्द। कभी अपनी मर्यादा की सीमा को नहीं लांघता, कभी ऐसा कोई अनिष्ट कार्य नहीं करता जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। वो अपनी भाषा की सीमा को जानता है, कभी किसी को चुभने वाली बात नहीं कहता अथवा दूसरों के मरहम पर चोट नहीं करता, दूसरों के दुर्गुणों का पता चलने पर भेद नहीं खोलता अथवा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करता, सभी परिस्थितियों में मौन रहकर दूसरों को सहारा देता है। अतः ऐसे पुरुष के पास आश्रय पाकर संसार आंखें मूंद कर इन पर विश्वास करता है। ऐसे पुरुष का सभी स्त्रियां सम्मान करती हैं और ऐसे पुरुष का आश्रय पाने पर भय रहित होकर बैठती हैं। दूसरा लक्षण, धर्म पद का त्याग न करना। एक वीर पुरुष हर परिस्थिति में अपने धर्म पद से विमुख कभी नहीं होता, स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलता अथवा किसी के कहने पर झूठी गवाही नहीं देता, वह पुरुष सभी के सम्मान के योग्य होता है। ऐसे पुरुष का सभी आदर करते हैं। एक वीर पुरुष पक्षपात नहीं करता और कभी अधर्म का पक्ष नहीं लेता, चाहे कोई अपना ही क्यों न हो। इसी कारण पराये लोग भी इन्हें अपना समझकर इनका गुणगान करते हैं। तीसरा लक्षण, कमजोरों का अपमान। एक वीर पुरुष अपनों से कमजोर व्यक्ति का अपमान नहीं करता अथवा उसकी अक्षमता को देखकर उसका निरादर नहीं करता, सभी के साथ उचित व्यवहार करता है। एक असली मर्द दुर्बल स्त्री अथवा दुर्बल व्यक्ति पर कभी हाथ नहीं उठाता, स्त्री चाहे कुटिल हो, दुष्ट ही क्यों ना हो, वो हमेशा उसका सम्मान करता है, उसकी सहायता करता है।
परंतु उसके हाथ की कठपुतली कभी नहीं बनता अथवा उसके मोह जाल में पड़कर उसके इशारों पर नहीं नाचता। चौथा लक्षण, बुद्धि विवेक से शत्रुओं से निपटना। एक वीर पुरुष में लक्षण होता है कि वो धूर्त, काव्यबाज, कपटी तथा गंभीर लोगों से अपनी बुद्धि विवेक से निपटता है। वो शत्रुओं को षड्यंत्र रचने का तनिक मात्र भी अवसर नहीं देता, बलवानों से जबरन नहीं भिड़ता और उचित समय आने पर ही अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है। अतः ऐसा ही पुरुष वीर होता है। तो दोस्तों, ये थे वीर पुरुष के लक्षण। क्या आपके अंदर भी ऐसे लक्षण हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज का सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं असली कल्कि भगवान कौन है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा।